लेकिन जो निरंतर गिरावट लोकतंत्र के स्वास्थ्य में आ रही है और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की का जो सत्तारूढ़ दल है उस पर सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है। और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सबको सजग रहकर इसको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रास्ते से नहीं आ पाती सत्ता में, उन राज्यों में वो किस तरह के हथकंडे अपनाती है, किस तरह से पैसे खर्च करती है, किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, किस तरह से लोकतंत्र की वहाँ धज्जियाँ उड़ाने का षड्यंत्र रचती है, यह आपके सामने कई उदाहरण अरुणाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और अब झारखंड में जो प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कई कई उदाहरण हैं। हर महीने एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी अपनी निम्न स्तर की राजनीति का हमारे और आपके सामने रखती है। मेरे साथ झारखंड के हमारे प्रभारी वरिष्ठ नेता श्री अविनाश पांडे जी भी हैं। थोड़ी देर में वो आपको पूरा बताएंगे किस तरह से एक साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की। एजेंसीज का जो काम होना चाहिए वो काम एजेंसीज ने करना बंद कर दिया। एक भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही या संघ के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इस तरह से ये एजेंसीज का भी एक तरह से अब उन्हीं का प्रकोष्ठ नीचे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, संघ का प्रकोष्ठ है या भाजपा का प्रकोष्ठ है। क्योंकि यह काम एजेंसीज का नहीं है कि सत्तारूढ़ दल की सहायता करके चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना, यह काम कभी किसी एजेंसी ने पहले नहीं किया। और पिछले 7 साल में 8 साल में लगातार एजेंसीज खबरों में अगर बनी रही तो इसी तरह के कामों की वजह से बनी रही। हम और आप, हम दोनों का, विपक्ष का भी और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जरूर याद रखेंगी कि किसने इसमें क्या भूमिका अदा की थी। जब लोकतंत्र पे हमले बोले जा रहे थे तब विपक्ष क्या कर रहा था, तब मीडिया क्या कर रहा था। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस तरह की साजिशों को बेनकाब करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कदम हमें और आपको मिलकर उठाने हैं, ताकि इस देश का संविधान बचा रह सके, ताकि इस देश में लोकतंत्र बचा रह सके, वो पूरा भरोसा है कि हम और आप वो कदम उठाएंगे। और सरकार का एक काम होता है जिसकी वजह से उसको सत्ता में लाया जाता है, वह काम करने के स्थान पर जहां वो चुनाव हार जाएं वहां भी सत्ता में कैसे आएं, यह काम सरकारों का नहीं होता। यह बात मोदी जी को, अमित शाह जी को शायद समझ में नहीं आ रही। कल नड्डा जी बिहार गए थे, बड़े उनका विरोध हुआ, सड़कों पर लोग आ गए। इन्हें अब समझ लेना चाहिए कि अगर सरकार में जहां हैं वहां काम करना नहीं आता इन्हें, तो सीख लें राजनीति इस तरह की जो निम्न स्तर की राजनीति है उसे बंद करना होगा। क्योंकि अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अब लोग परेशान हो गए हैं, अब घड़ा भर चुका है। मैं अविनाश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि झारखंड में जो प्रकरण हुआ उस पर आपसे कुछ चर्चा करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई पवन खेड़ा जी, उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे पत्रकार साथियों, आप सबको नमस्कार। पवन जी ने अभी आपके सामने काफ़ी स्पष्ट तरीके से आज के रविवार को आपको परेशान करने की वजह बतलाई और किन कारणवश आज आपके माध्यम से जो कृत्य राजनीति की जिसने साख को और नीचा फिर से दिखाने जा रहे हैं, इस विषय पे आपके सामने हम यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी के पिछले 8 सालों में देश में अनेक इतिहास बनाए हैं,
चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे बढ़ती कीमतों का हो, देश की आर्थिक बदहाली का हो, या सीमा पर चीन के साथ चल रहे कार्यकलापों का हो, इन सभी के साथ साथ आज सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है, जो कि इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, और वो है जिस तरीके से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चुनकर आई हुई सरकारों को अबदस्त अस्थिर करने का खुला नंगा नाच चल रहा है। यह विशेष रूप से आश्चर्य होता है मुझे कि इस लोकतंत्र में संविधान के रहते हुए आखिर हिम्मत कैसे होती है इन सत्ता पर बैठे हुए उन हुक्मरानों की, जो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी परंपराओं के और संविधान के रक्षा का शपथ लेने के बावजूद अपने आप को जो देश का एक प्रेरणा स्रोत प्रोजेक्ट करते हैं, साफ सुथरे पहनकर, कपड़े पहनकर अपने स्वयं के चरित्र का बखान करते हैं, एक स्वच्छ राजनीति का रोज वक्तव्य और भाषण देते हैं, वो आज आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में जहां पर बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें हैं, किस प्रकार से ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन्हें अस्थिर कर रहे हैं, उन्हें अबदस्त कर रहे हैं। आप सब लोग भलीभांति मेरे इस वक्तव्य का मतलब समझे होंगे। स्वाभाविक है कि आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की सरकार को लेकर पिछले दिनों आप सब ने देखा कि कल कुछ विधायकों को कलकत्ता में भारी कैश के साथ वहां की पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, पकड़ा। विशेष रूप से आप सब जानते हैं कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को पिछले 2 सालों से सतत एक जैसा प्रयत्न शुरू है कि उसको किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे कमजोर किया जाए, वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए, और इसके चलते हुए समय समय पर वहां के विधायकों से संपर्क साध कर, उनको आतंकित कर, उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले कुछ विधायकों के साथ संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक FIR भी रांची में दर्ज की गई थी, जिसका केस अभी भी शुरू है, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर जिस प्रकार से कोशिश हर विधायकों की, और इसकी में कोशिश में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे MLOs को डराने की, धमकाने की, ईडी की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज के चलते हुए साथियों, पिछले दिनों आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। ईडी का पूर्ण दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन किया गया। आज 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज तक वहां का मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पाया। स्पष्ट है कि जिस असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से वहां पर सरकार बदली गई, आज के वर्तमान
माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को लेकर चिंता में है कि अगर मंत्रिमंडल घोषित किया गया तो शायद हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगा। पिछले दिनों आपने देखा मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से चुनकर आई हुई सरकार को अवदस्त किया गया। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से इनकम टैक्स ईडी की सतत एक जैसी टीम बैठाल रखी है कि किसी तरह के वहां के सरकार को परेशान किया जाए, वहां के विधायकों को आतंकित किया जाए और वहां की सरकार को अस्थिर किया जाए। राजस्थान में किस प्रकार नंगा नाच हुआ आप सबने देखा, एड़ी चोटी लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो वहां के विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने ईमान को सुरक्षित रखा और उनके इस योजना को विफल किया। गोवा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, जिस ओर आप नजर डालें आप इस चीज को देखने में आश्चर्य होता है कि इन 8 सालों में जो रिकॉर्ड बनाया गया है और वो और ऊंचाई पर पहुंच रहा है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर ना ही सिर्फ माखोल उड़ाया जा रहा है लेकिन जनता के उस विश्वास को जिस लोकतंत्र प्रणाली के चलते हुए चुनाव प्रणाली पर विश्वास रखकर इस देश की जनता जिस सरकार को चुन कर देती है, मानो आज के वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये कसम खा रखी है कि संविधान और लोकतंत्र परंपराएं, मूल्य, लोगों की भावना सब एक तरफ हो, सिर्फ एन केन प्रकारें गैर भाजपाई सरकारों को अपदस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया जाए। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अगर पैसों से नहीं तो उसे भावनात्मक तरीके से आतंकित कर अपना दल छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से जिन विधायकों ने ये कृत्य किया है पार्टी उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये सबक होगा देश के उन तमाम विधायकों को कि अपने जमीर को, अपनी आत्मा को, लोगों के विश्वास को जो उन्हें बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आप पर रखा है, कृपा करके उसकी सुरक्षा करने का आज सबसे बड़ा दायित्व आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वहां पर आज के चुने हुए इन विधायकों का है। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसके चलते हुए अगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र, चुनाव तंत्र से अगर उठ गया और अगर ये विश्वास बैठ गया कि भले ही लोग किसी को भी चुन कर दें लेकिन धन का, बल का, सत्ता का, संवैधानिक संस्थाओं का लाभ उठाकर सरकार तो हम ही बनाएंगे, ये जो एक अटूट विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है उस विश्वास को और उस अंधी दौड़ को लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर रोकना होगा। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने
कल जो हमारे तीन विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनकी उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच में कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उसका जवाब वही देंगे। आने वाले समय में इस पर जांच पड़ताल भी चल रही है और जो सच होगा वो तो सामने आएगा। मैंने अभी घोषणा की, सस्पेंड किया है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें। मैं कलकत्ता में मैं मौजूद नहीं था। We have suspended. निलंबित। मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना। लेकिन आने वाले समय में अगर कानूनी तौर पर यह प्रावधान रहा तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले एमएलए को निश्चित रूप से कोशिश ये रहेगी कि उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। देखिए, जो गतिविधियां चल रही थी उसकी जानकारी भलीभांति वहां की सरकार को भी और पार्टी के एक प्रभारी के नाते वहां पर तीन दिन में था, गतिविधियों पे पूर्ण रूप से नज़र रखी जा रही थी। आप सब जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में विशेष रूप से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठकर जो दौरा कर रहे थे, उसमें किन किन लोगों ने उनके साथ मुलाकात की, किन किन लोगों ने उनके साथ में उनकी क्या बातें हुई, किससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। समय आने पर उन सभी चीज़ों को विस्तार से रखा जाएगा। देखिए, भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों को, जो हमेशा से आपने देखा होगा पिछले जितने भी देश के राज्यों में, अब तो आम हो गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, कुछ लोगों को पहले पकड़कर और भ्रमित करने का जो प्रयत्न किया जाता है, लोभान्वित करने का प्रयत्न किया जाता है, ये प्रक्रिया का वो इससे स्क्रिप्ट लिखी गई है। आज मुकाबला है कि इन विचारों के खिलाफ में वाकई में पूरे धैर्य हिम्मत के साथ में बिना सत्ता की परवाह किए क्या हम इन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, ये चुनौती उसकी है। देखिए, मैंने वही चीज कहा कि हास्यास्पद उल्टा चोर ये पूछे पुलिस से कि बताइए मेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, तो ये उचित नहीं है। ये तो वही बात है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर पब्लिक प्लेटफॉर्म में, मीडिया में बड़े बड़े विचारों का, बड़े बड़े मूल्यों की रोज बातें हम सुनते हैं, कभी आपकी बात, कभी मन की बात, कभी उसकी बात, ये असली चेहरा जो है कम से कम उसको हम ना नकारें जो सामने दिख रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न कल मैंने भी अभी सुबह देखा कि कुछ वही लोग जो इसमें लिप्त हैं वो पूछ रहे हैं, और जिनके साथ में उठना बैठना खाना पिछले कुछ महीनों से सतत शुरू है, भाईचारे की कसम उन्हें दी है, और उन्हीं लोग आज उनके उन्हीं विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बताइए पैसा कहाँ से आया। सो ये सब उसी का भाग है, हम लोगों को और चौंकना रहना होगा। पैसा था, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, एक सवाल। और दूसरा सवाल सर आपने
बहुत बहुत ही मैं आपने ये प्रश्न पूछा और जो पूरे डेफिनेटली सी अबाउट महाराष्ट्र आई डोंट नो. महाराष्ट्र के उसमें माननीय मोहन प्रकाश जी गए थे उनकी रिपोर्ट, लेकिन मैं स्वयं झारखंड में था. इस बारे में काफ़ी गहराई के साथ कौन से विधायक थे, कौन से मंत्री थे, कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो इस सब चीज़ में लिप्त थे, उनकी जानकारी है. माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को इसके बारे में मैं कल ही यहाँ वापस आया हूँ, रिपोर्ट दी जाएगी. लेकिन एक चीज़ मैं सुनिश्चित कर दूँ, कल मैं इस चीज़ को बड़े स्पष्ट रूप से कह के आया हूँ. और आपने पूछा कि क्या ये तीन लिप्त थे, हाँ ये तीन के बारे में निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ये तीन ही उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे और लोगों को भ्रमित करने में और लोगों को इस दिशा में गलत गलत तरीके से उन्हें डराने में, धमकाने में, लोभ देने में इनका भी हाथ था. बट ये रिपोर्ट इसमें सिर्फ यही बात नहीं है, there are some other issues also which I think in my final report I'll be submitting to Congress president. हर बार कांग्रेस के साथ क्यों होता है, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आपको माननीय भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से ही पूछना पड़ेगा कि क्यों होता है. क्या कांग्रेस से वो इतने आतंकित या डरे हुए हैं, या वो ये महसूस करते हैं कि उनका भांडा या उनकी सत्ता को अगर सही रूप में कोई उजागर कर सकता है तो वो कांग्रेस है. तो निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर उनका निशाना स्वाभाविक है. रही बात दूसरी की क्यों होता है, पूरे देश में आप भी जान रहे किस प्रकार से ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है. और सिर्फ पैसा ही अकेला नहीं, लेकिन अन के प्रकारन हर प्रकार से घेरने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही काला अध्याय है. देखिए मैं बाकी विधायकों का नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये अनुचित होगा, लेकिन इतना मैं कह दूं कि जो जो भी इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, लेकिन बता दूं कि अधिकांश पार्टी के विधायक एक हैं. कुछ लोगों पर सिर्फ लांछन लगाया जा रहा है, लेकिन जो लोग इसमें लिप्त नहीं हैं उसकी पार्टी सम्मान करती है, उनके भविष्य के राजनीति में उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उसका पूरा हम ध्यान रखेंगे, उन्हें मजबूती देंगे. लेकिन जो इस विधायक दल को कमज़ोर करने में प्रयत्नशील हैं, उन सब की जानकारी पार्टी के नेतृत्व के पास में है और उचित समय पर उसकी कार्रवाई की जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. एक चीज़ मैं बता दूं, किसी सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं, सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है, स्थिर है, और मिलकर इस प्रकार की जो कोई भी कोशिशें होगी उसको मिलकर सरकार गठबंधन के सभी विधायक एकजुट होकर इस प्रकार के कुछ ब्लैक शिप्स ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दें, लेकिन पूरी सरकार एक है और सरकार अपना पूर्ण कार्यकाल पूरे विश्वास और जनता की सेवा में पूरा करेगी. इसको ना ऑपरेशन लोटस कहना बंद कर दीजिए, ये ऑपरेशन कीचड़ है, ये कमल नहीं है. तो इसका नाम आज संडे को बदल दीजिए, आप मीडिया में इसका नाम ऑपरेशन कीचड़ बोला कीजिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. बायोम. डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम. रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान. नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हिनू एवं नगर टोली रांची. द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in.